जो है संबोधित करेंगे। लगातार ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अगर बात की जाए तो 4 जनसभाएं जो है चुनावों के दौरान की जा रही हैं। 2 इससे पहले हो चुकी हैं और अब आज तीसरी और चौथी होगी। पहले इस चंबी के मैदान में होगी और उसके बाद सुजानपुर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शिरकत करेंगे। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम के लिए हम इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से प्रवेश मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त जहां से एंट्री हो रही है वहां पे हैं हम। पुलिस विभाग के कर्मचारी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अनाउंसमेंट किया गया है मंच से कि देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में हैं और प्रवेश करवाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं बाकायदा चेकिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लगातार हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। यही कारण है कि मैदान के बाहर भी जो है अच्छी खासी भीड़ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फिनिशिंग हो और उसके बाद जो है वो अंदर जाएं। इसके अलावा किसी प्रकार का प्रवेश जो है जैसे धूम्रपान वगैरह पर उसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। आगे चलेंगे और थोड़ा सा और दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ बात की जाए 11 बजे का समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो जो देख सकते हैं जो धूम्रपान वगैरह है या पेन पेंसिल है इसको भी निकाला जा रहा है। तो ये पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति की जो है पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो अंदर भी जो है पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और जब भी चुनाव प्रक्रिया हो तो कहीं ना कहीं इतने होती हैं जिनके ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा चेकिंग देखेंगे, एक एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आपने कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं डाली है या फिर कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं है। इसके अलावा चेकिंग की जा रही है, तमाम कार्य जो है पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि झंडे डंडे और बैंड बाजों के साथ भी जो है पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप बाकायदा देख सकते हैं कि बाहर की तरफ चलेंगे। लगातार इंतजार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है।